हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू एक्सोटिक ट्रेडिंग एनालिसिस। तो आज मैं आपको बताऊंगा फिबोनाची क्या होता है और फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं। इट इज़ जनरली लेवल्स, आप इसको कहाँ पर यूज़ करते हो कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कहाँ आ रहा है। और ऐसा जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना, तो आप डरते हो कि मार्केट में मूव आ चुका है, अब मैं एंट्री नहीं बना सकता, अभी मैं मिस हो जाऊंगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो उस टाइम में आपको फिबोनाची लेवल्स जो है ना, उस टाइम में आपको हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आज मैंने फिबोनाची लेवल्स के बेसिस पर ही एक ट्रेड दिया था अपने लाइव में। आप अगर हमारा लाइव ज्वाइन नहीं करते रोज 1:30 बजे, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हर रोज। देखो मार्केट नहीं, सॉरी, फिबोनाची हमको क्या करना है। उस टाइम में जो ये बॉटम था, उस टाइम में ये बॉटम था, तो देखो मार्केट यहाँ से आया 0.382 के लेवल को रिट्रेस किया और वहाँ से वापस डाउन हो गया। तो मैं अभी आपको एकदम एग्जैक्ट, अभी मैं आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि फिबोनाची को आप कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, हम फिबोनाची यूज़ करते हैं। फिबोनाची अगर आपको बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो नीचे से ऊपर प्लॉट करना है, और अगर बेरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो ऊपर से नीचे प्लॉट करना है। तो हम देखो, ये एक बॉटम बना था यहाँ पर, यहाँ से यहाँ प्लॉट कर दिया हमने इसको। देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा 0.786 के लेवल, इसमें ये लेवल था 0.283। जनरली जब भी रिट्रेसमेंट आता है ना, तो 0.5 लेवल तक तो आता है, और अगर अच्छा रिट्रेसमेंट आता है तो वो 0.7, 0.7 के बाद अगर कोई बुलिश मोमेंटम में मार्केट है और बेरिश पैटर्न बन रहा है, तो वो मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल है। यहाँ से 0.786 पे देखो रिट्रेसमेंट आया और मार्केट यहाँ से पंप हो गया। यही फिबोनाची लेवल्स है, ठीक है। आप इस चीज़ को अपने फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो, आप इस चीज़ से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। फिबोनाची लेवल्स, फिबोनाची में आपको मैं फिबोनाची पूरा समझा देता हूँ। फिबोनाची में क्या होता है, फिबोनाची आपको किसी भी मोमेंटम के ऊपर से नीचे तक प्लॉट कर देना है, या फिर बेरिश है तो नीचे से ऊपर तक, ठीक है। अगर कोई भी अच्छा चल जाएगा ना मार्केट, तो आपका देखो अगर 50% तक रिट्रेसमेंट लेता है एंड देन मार्केट अगर अच्छा चल जाता है, तो 1.6 जो ये है ना, ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। और फिर और भी अच्छा चल जाता है तो ये 2 पॉइंट, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये टारगेट रह सकते हैं मार्केट में, जितना भी पीछे वाले मोमेंटम है उसके बेसिस पर। तो आई होप करता हूँ आपको फिबोनाची समझ में आ चुका होगा। आपको मैं हर रोज लाइव में बता देता हूँ कि फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं, और आप भी इसकी बैक टेस्टिंग करिएगा जिससे कि आपको पता चले। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।